सुप्रभात बच्चों, कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ सात, दो माताएं, पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान दो। बच्चों, व्याख्यान एक में हमने पाठ को पढ़ा था, आज हम व्याख्यान दो में कठिन शब्द, शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। भारत के तथ्य और बेतार विभाग के कर्मचारियों को विभिन्न और विचित्र तरह के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। वे लोग भारत के वन्य प्राणियों तथा आदिवासी लोगों की जिंदगी के बारे में नई नई खोज खबर जुटाते फिरते हैं। यह कथा भी उसी तरह की एक घटना पर आधारित है। असम के एक अनजान क्षेत्र में पहाड़ की तलहटी में आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव का नाम है हतिया। गांव में शीत ऋतु की विदाई पर एक उत्सव मनाया जाता है। यह विचित्र उत्सव है उनका, बिल्कुल अलग प्रकार का। पहाड़ के नीचे रंगीन किस्म के पत्थर से बनी एक खाई है। उसी खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि दीवारों और छतों पर खुदाई करके बनी छोटी छोटी मूर्तियां उपस्थित हैं। पूजा जैसी कोई बात नहीं, बल्कि कतारों में माताएं, लड़कियां, लड़के, बूढ़े सभी दूध से भरे घड़े, डलियों में फल, केले के गुच्छे, मिट्टी की कुप्पियों में मधु ले लेकर हाजिर हो रहे थे। बाद में घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उस सारी सामग्री को घने जंगल में रख दिया गया। लौटकर लोग गाने बजाने, नृत्य आदि में मस्त हो गए। तथ्य विभाग के कर्मचारियों को बहुत दुख है कि इतनी अच्छी सामग्री को जंगल में फेंक दिया गया। खुद न खाएं तो न खाएं, पर बाहर के लोग भी तो हैं। तथ्य विभाग के कर्मचारियों की बातचीत सुनकर एक आदिवासी लड़के ने चिढ़कर कहा, छी छी, ऐसी बात करना भी पाप है। इन सब चीजों को तो हाथियों के लिए दिया गया है, वे ही सब खाएंगे। अच्छा, तो फिर उन सब को पता कैसे चलेगा? यह सब उनके लिए रखा गया है, क्यों? घंटों की आवाज है ना? गाने बजाने की तेज आवाज सुनते ही वे सब पहाड़ की तलहटियों से इधर निकल आएंगे। वे सब बड़े होशियार होते हैं इन सब मामलों में। लेकिन इतने सारे पशु हैं, फिर हाथी ही क्यों? इसके जवाब में गांव के बड़े बूढ़े ने एक किस्सा कह सुनाया, जो इस प्रकार है। उस समय हाथियों का यहाँ ठिकाना था। मनुष्य और हाथी दोनों मिलजुल कर रहते थे। उसी समय की बात है कि विदेशी सौदागर यहाँ आकर मोहर देकर हाथी खरीद ले जाते थे। गांव की औरतें मोहरों को गले में डालकर सजने लगी थी। हाथी पकड़ने के लिए जमीन में मिट्टी खोदकर गड्ढा बनाया जाता था और उसे घास फूस से ढक दिया जाता था।
हाथियों को पता नहीं चलता था उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में आ गिरते थे। सौदागर लोग आकर इन्हें गड्ढे से निकालकर ले जाते और जाते समय गांव के मुखिया को बदले में मोहर दे जाते थे। गांव वालों की इतने दिनों से एकमात्र शत्रुता बाघ से थी, अब तो दो शत्रु हो गए थे, काला बाघ और जंगली हाथी। हाथी भगाने के लिए खेत पर पहरा बैठाया गया। कनस्तर बजाकर खबर कर दी जाती थी कि हाथियों का दल आ रहा है। लोग मशाल जलाकर तैयार हो जाते। बाघ बिना किसी तैयारी के घुस आते थे। अंधेरे में चुपचाप जंगली झाड़ियों के बीच लुक छिपकर उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। एक दिन की बात है, जाड़े के अंतिम दिनों में घर के दरवाजे खिड़कियां खोलकर लोग वसंत के स्वागत के लिए बाहर निकल गए थे। ऐसे में अचानक ढोल कनस्तर की आवाज गूंज उठी थी। लोगों को सचेत कर दिया गया कि हाथियों के दल दिखाई पड़े हैं। जहां कहीं भी आदमी औरत थे, सभी उस तरफ दौड़े हाथियों का सामना करने, नहीं तो इस बार की सारी फसल नष्ट हो जाती। मौका देखकर एक बाघ वहां आ गया और मुखिया के 5 महीने के बच्चे को कपड़े समेत उठा ले गया। बच्चे की माँ की नींद वैसे भी हल्की होती है। आंख खुलते ही बाघ को देखा, बाहर रखी मशाल को उठाकर लखिया रे पुकारती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। तब घर में और कोई नहीं था। मोहल्ले की औरतों को खबर लगी, पर वे सब भय के कारण आगे नहीं आई। बाघ जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में छुपने का जो रास्ता था वह हाथियों के चलने का था। वहां गड्ढे बने थे, गड्ढे के ऊपर डाल पत्ते बिछे थे, इसलिए उस गड्ढे में एक हाथी का बच्चा गिर गया था। बच्चा हाथी के रोने की आवाज ठीक मनुष्य के बच्चे की तरह थी। गड्ढे के ऊपर उसकी माँ हथिनी छाया की तरह चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। बाघ उसकी बगल से निकल गया। आंखों के कोर से माँ हथिनी ने बाघ को देखा। चील के झपट्टे की तरह तेजी से चिंघाड़ती हुई हथिनी बाघ के पीछे दौड़ी। गड्ढे में बच्चा पड़ा रहा। उसके बाद जंगल को कंपाने वाली भयंकर आवाज हुई। हथिनी ने बाघ के पंजे से छुड़ाकर बच्चे को अपनी सूंड में लपेट लिया। उसने बच्चा मुखिया की औरत की गोद में रखा और चुपचाप वहीं खड़ी रही। बच्चे के शरीर पर कंबल लिपटे होने की वजह से उसे कोई खरोंच तक नहीं आई थी। अपने बच्चे को चीखता चिल्लाता छोड़कर वह औरत ताबड़तोड़ गड्ढे के ऊपर से झाड़ियों कटीले पत्तों डालों को अलग करने में लग गई। फिर वह धीरे से गड्ढे के किनारे किनारे पांव जमाते हुए नीचे उतर गई।
हथिनी के बच्चे को कोई खास चोट नहीं आई थी, लेकिन वह डरा सहमा हुआ था। अब उसे गड्ढे से बाहर निकालने की समस्या थी। वह औरत फिर से ऊपर आई और पेड़ की डाल के दो मोटे टुकड़े आड़े तिरछे गड्ढे में डाल दिए। वे टुकड़े सीढ़ी की तरह स्थिर हो गए। उसके बाद औरत नीचे गड्ढे में उतरकर बच्चे को धीरे धीरे डाल के सहारे ऊपर उठाने लगी। कई जगहों पर उसे जख्म भी लगे, पर उसने दम साध कर किसी तरह बच्चे को ऊपर की तरफ ठेल दिया। ऊपर से हथिनी ने अपने बच्चे को सूंड में लपेटकर खींचा। बच्चा ऊपर आ गया। तब तक भोर हो चुकी थी। हाथियों के दल को भगाकर मुखिया गांव के अन्य आदमियों के साथ जब घर लौटा तो बाघ के पंजों के निशान देखकर दंग रह गया। उसे समझने में देर नहीं लगी। डोरी, रस्सी, कुदाल, बर्छा लेकर कई आदमियों के साथ वह जंगल में घुसा। जंगल में पहुंचते ही जो दृश्य सामने आया उसे देख वे सब अवाक रह गए। हथिनी का बच्चा अपनी माँ हथिनी से चिपका खड़ा था। माँ हथिनी अपनी सूंड बच्चे के शरीर पर फेरकर उसे प्यार कर रही थी। उसी जगह उसकी स्त्री भी अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। हाथ के औजार, रस्सी आदि सब फेंक कर गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर झुककर जंगल के देवता को प्रणाम किया। मुखिया की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर खड़ी हुई। हथिनी अपने बच्चे के साथ जंगल की तरफ चली गई। मुखिया ने उसी समय सभी गड्ढों को भर देने का आदेश दिया। सौदागरों को हमेशा के लिए गांव से भगा दिया गया और तब से फिर कभी इस तरफ किसी ने हाथी पकड़ने की कोशिश नहीं की। तभी से प्रत्येक साल जाड़े के दिनों में खेत में फसल पकने पर हाथियों को ये नैवेद्य दिया जाने लगा। यह गांव वालों का अपना तरीका था हाथियों को धन्यवाद कहने का। बच्चों, पाठ में आए कठिन शब्द इस प्रकार हैं: नंबर 1 कर्मचारी, नंबर 2 ऋतु, नंबर 3 मूर्ति, नंबर 4 नृत्य, नंबर 5 उपस्थित, नंबर 6 शत्रुता, नंबर 7 चिंघाड़ती, नंबर 8 कटीला, नंबर 9 गड्ढा, नंबर 10 नैवेद्य। अब हम पाठ में आए शब्दों के अर्थ जानते हैं। नंबर 1 तथ्य, इसका अर्थ है सत्य या यथार्थता। नंबर 2 वन्य प्राणी, इसका अर्थ है जंगल में रहने वाले जीव। नंबर 3 तलहटी, इसका अर्थ है पहाड़ के नीचे की भूमि। नंबर 4 कुप्पी, इसका अर्थ है चमड़े का बना गोल आकार का छोटा पात्र। नंबर 5 सामग्री, इसका अर्थ है वस्तु या पदार्थ जिसमें घी या तेल रखते हैं। नंबर 6 सौदागर, इसका अर्थ है व्यापारी। नंबर 7 मोहर, इसका अर्थ है
सोने चांदी का सिक्का। नंबर 8 एकमात्र, इसका अर्थ है केवल एक। नंबर 9 कनस्तर, इसका अर्थ है टीन का एक डिब्बा। नंबर 10 सचेत, इसका अर्थ है होशियार या सावधान। नंबर 11 अवाक, इसका अर्थ है स्तब्ध या चुप। नंबर 12 नैवेद्य, इसका अर्थ है देवताओं को समर्पित की जाने वाली भोजन की सामग्री। नंबर 13 है ठेल देना, इसका अर्थ है धकेल देना। पाठ में आए मुहावरे इस प्रकार हैं: दम साधना, इसका अर्थ है सांस रोकना। दंग रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। नंबर 1 सही उत्तर के सामने सही लगाइए। क, गांव में किस ऋतु की विदाई पर उत्सव मनाया जाता है? नंबर 1 वसंत ऋतु की विदाई पर। नंबर 2 शीत ऋतु की विदाई पर। नंबर 3 ग्रीष्म ऋतु की विदाई पर। नंबर 4 शरद ऋतु की विदाई पर। सही उत्तर है नंबर 2 शीत ऋतु की विदाई पर। ख, गांव वालों को किससे शत्रुता थी? नंबर 1 हाथियों से। नंबर 2 सौदागरों से। नंबर 3 बाघों से। नंबर 4 इन सब से। सही उत्तर है नंबर 3 बाघों से। ग, जंगल का देवता किसे कहा गया है? नंबर 1 हाथी को। नंबर 2 बाघ को। नंबर 3 मंदिर की मूर्तियों को। नंबर 4 मुखिया के बच्चे को। सही उत्तर है नंबर 1 हाथी को। नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, आदिवासियों द्वारा शीत ऋतु की विदाई का जश्न कैसे मनाया जाता था? उत्तर, आदिवासी माताएं, लड़कियां तथा बूढ़े बच्चे दूध से भरे घड़े, डलियों में फल मधु आदि लेकर खाई के पास बने मूर्ति विहीन मंदिर में उपस्थित होते थे। तत्पश्चात घंटे की ध्वनि पर गाते बजाते उन सभी सामग्रियों को हाथियों के खाने के लिए घने जंगल में रख कर लौट आते हैं। ख, हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था? उत्तर, जमीन में गड्ढा खोदकर घास फूस से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर चलते ही हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है। फिर इन्हें विदेशी सौदागर निकाल कर ले जाते हैं। ग, लोग क्या देखकर दंग रह गए? उत्तर, गांव में बाघ के पंजों के निशान देखकर लोग दंग रह जाते हैं। लोग क्या देखकर दंग रह गए? गांव में बाघ के पंजों के निशान देखकर लोग दंग रह गए। नंबर 3
सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। क, खाई के निकट लकड़ी का एक सुंदर मंदिर है, सही। ख, आदिवासी दूध फल आदि जंगल में बैठकर खाते हैं, गलत। ग, विदेशी सौदागर हाथी के बदले मोहर ले जाते थे, गलत। घ, बाघ हाथी के बच्चे को उठाकर ले गया, गलत। ग, औरत ने हाथी के बच्चे को बचाया, सही। बच्चों, व्याख्यान दो का आज आपका गृह कार्य है कक्षा में कराए गए कठिन शब्द शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखो। अब हम व्याख्यान एक में दिए गए गृह कार्य का हल जानते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, हथिया गांव किस प्रांत में स्थित है? उत्तर, हथिया गांव असम प्रांत में स्थित है। प्रश्न ख, प्रस्तुत कहानी की रचनाकार कौन है? उत्तर, प्रस्तुत कहानी की लेखिका लीला मजुमदार है। प्रश्न ग, आदिवासी कहाँ रहते थे? उत्तर, आदिवासी पहाड़ की तलहटी में रहते थे। धन्यवाद।